नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। शोपिया रेप केस में झूठी मेडिकल रिपोर्ट लिखने वाले दो डॉक्टरों को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बर्खास्त कर दिया है। दोनों डॉक्टरों पर पाकिस्तान के कहने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जानकारी बदलने का आरोप था, ताकि घाटी में हिंसा भड़काई जा सके और सेना को टारगेट किया जा सके। 30 मई 2009 में जम्मू कश्मीर के शोपिया में दो महिलाओं आसिया और नीलोफर के शव नदी में मिले थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों के साथ रेप का दावा किया था। रेप का आरोप सेना के जवानों पर लगा था। उस वक्त इस रिपोर्ट के चलते कश्मीर में हिंसा भड़की थी और 42 दिन तक घाटी बंद रही थी। इस केस में सीबीआई ने 14 दिसंबर 2009 को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। इसमें डॉक्टर बिलाल अहमद और डॉक्टर निगहत शाहीन चिल्लू के साथ ही 13 अन्य लोगों पर सबूत से छेड़छाड़ के सबूत मिले थे। सेना के जवानों पर लगाए गए आरोप झूठे निकले थे। 30 मई 2009 को शोपिया में आसिया और नीलोफर के शव रामबियारा नदी में मिले थे। इनकी मौत पानी में डूबने से हुई थी, लेकिन इनकी मौत को रेप और हत्या बनाने की साजिश रची गई। जम्मू कश्मीर में उस वक्त उमर अब्दुल्ला की सरकार थी। जवानों पर रेप और हत्या के आरोप लगने के बाद महीने भर तक प्रदर्शन चला। दबाव बढ़ने पर पुलिस ने 7 जून 2009 को बलात्कार और हत्या की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की। राज्य सरकार ने भी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच समिति बनाई। इस आयोग की रिपोर्ट में पुलिस पर सबूत मिटाने का आरोप था, जिसके आधार पर सरकार ने शोपिया के तत्कालीन एसपी और डिप्टी समेत 4 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। लेकिन घाटी में प्रदर्शन जारी रहा, जिसके कारण केस सीबीआई को सौंपा गया। दिसंबर 2009 में सीबीआई ने 66 पेज की रिपोर्ट जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में पेश की। इसमें 13 लोग आरोपी थे। आसिया नीलोफर के कुल 3 पोस्टमार्टम हुए। पहली टीम में डॉक्टर बिलाल और दूसरी टीम में डॉक्टर चिल्लू शामिल थी। डॉक्टर चिल्लू ने अपना वजाइनल सैंपल आसिया का बताकर रिपोर्ट में रेप होना लिखा था। सीबीआई ने एम्स के डॉक्टर्स डॉक्टर टीडी डोगरा और डॉक्टर अनुपमा रैना की टीम से शवों को कब्र से निकलवाकर जांच करवाई। दोनों के फेफड़ों में वही डाइटम मिले जो उस क्षेत्र में मौजूद थे जहां शव पाए गए थे। इतना ही नहीं, आसिया के शव में हाइमन भी मौजूद थी। सीबीआई ने साक्ष्य गढ़ने के आरोप में 6 डॉक्टरों, 5 वकीलों और मृत महिला के भाई समेत 2 नागरिकों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। वकीलों ने ही इन 2 लोगों को गवाह बनने पर मजबूर किया था। इसके बाद 47 दिन तक हिरासत में रखे जवानों को छोड़ा गया था। जम्मू कश्मीर प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि डॉक्टरों का मकसद आर्मी के जवानों पर रेप और हत्या का झूठा आरोप लगाकर लोगों को उनके खिलाफ भड़काना था। जांच में ये भी सामने आया है कि तत्कालीन उमर अब्दुल्ला सरकार के एक सीनियर ऑफिसर को इन चीज़ों के बारे में जानकारी थी, लेकिन सच्चाई दबा दी गई थी।